हम लोग का अगला प्रश्न है, बहुत ध्यान से सीखिए, आप इसको बना पाएंगे। करा दो सेल ए तथा बी, दो गो सेल है मतलब बैटरी है, जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। श्रेणी क्रम में 1 ओम के प्रतिरोध से संबंध है। देखिए, दो गो बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल 1.5 है, ए और बी बैटरी का नाम है, और 1 ओम के प्रतिरोध से जुड़ा गया। देखिए, दो गो बैटरी, पहला बैटरी, दूसरा बैटरी, विद्युत वाहक बल ई बराबर 1.5 वोल्ट, ई 1.5 वोल्ट, 1 ओम के प्रतिरोध, यहाँ पे 1 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। आप 1 ओम कहीं भी इन दोनों के भी यहाँ भी रख सकते थे, यहाँ भी कहीं भी लगा दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, खाली दोनों बैटरी श्रेणी क्रम में जुटे हुए हैं, ठीक है। संबंध है, यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 1.5 एवं 0.5 ओम, देखिए इसका आंतरिक प्रतिरोध आप कह सकते हैं R1, ठीक है, बराबर में दिया है 1.5 ओम। आंतरिक प्रतिरोध आप जानते हैं अंदर का होता है, बैटरी का होता है, और इसका R बराबर आपको R2 कह सकते हैं, R2 बराबर दिया है 0.5 ओम। आप चित्र को भली भांति समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो चित्र में आपको ज्यादा कुछ दिया नहीं है, ऐसे मैं आपको बता दूं हमने क्या लिखा है। यह R1 बराबर लिखा 1.5 ओम, ये R2 बराबर लिखा 0.5 ओम, ये दूसरा बैटरी का है और ये पहला बैटरी का है, और दोनों का बोलता ई बराबर 1.5 वोल्ट दिल है। तो आप यहाँ भी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, लेट जो बैटरी ए है, ए बैटरी का विद्युत वाहक बल ईएमएफ ऑफ ए बराबर 1.5 वोल्ट, और ईएमएफ बराबर ऑफ बी, इसका भी कितना दिया है 1.5 वोल्ट। आपको इसका R1 बराबर 1.5 ओम, अब इसका R2 बराबर में 0.5 ओम, ठीक है, और आपको विद्युत वाहक बल दोनों के बराबर था, और आपको रेसिस्टेंस बाहर कितना दिया गया है 1 ओम। अब हमको कहता है पहला प्रश्न, तो परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा, इस परिपथ से कितना विद्युत धारा जा रहा है से हमको ज्ञात करना है। तो इस परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान निकालने के लिए हम लोग को ये समझना होगा कि इस परिपथ में पहले विद्युत धारा कितना आ रहा है। तो यह जितना इसका ईएमएफ बल होगा वो इतना धारा देगा, और जितना ही देगा उतना ही धारा देगा कि नहीं देगा। तो इसलिए हम लोग अगर टोटल ई मान निकाल लें, टोटल ई बराबर अगर बनाए टोटल ईएमएफ फोर्स, तो आपको दोनों के क्या करना होगा, 1.5 वोल्ट प्लस में 1.5 वोल्ट बराबर में 3 वोल्ट हो जाएगा, आया ना। अब इस तरह से 3 वोल्ट तो यह विद्युत वाहक बल होगा, तब प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो अब यहाँ प्रतिरोध क्या दे दिया गया है, अब आंतरिक प्रतिरोध, दोनों बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध भी कितना दे दिया गया है, दोनों जो बैटरी है उनका आंतरिक प्रतिरोध दिया है 1.5, इसलिए टोटल आंतरिक प्रतिरोध अगर निकाल देंगे टोटल R बराबर, तब भी हो जाएगा 1.5, देखिए 1.5, और फिर इसका मान निकालेंगे 1.5, और इसका आंतरिक प्रतिरोध 1.5 हो जाएगा, और इसका भी आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो इसको टोटल आंतरिक प्रतिरोध हम लोग बना लेंगे, आसानी से बेशक बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग टोटल आंतरिक आर निकालेंगे, ध्यान दीजिए टोटल आंतरिक आर तो 1.5 है इसका और 0.5 है इसका, तो 1.5 ओम प्लस में 0.5 ओम, तो इस तरह से टोटल आंतरिक आर आपको आ जाएगा कितना, टोटल आर आ जाएगा ही 2 ओम आ जाना चाहिए, 2 ओम आएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है, तो 2 ओम आ रहा है। अब देखिए, अब हम लोग कहता है इस परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा का मान, तो हम लोग एक सूत्र पढ़ चुके हैं, फिर से विद्युत धारा, वी नो दैट विद्युत धारा का मान हम लोग I बराबर पढ़े हैं, ई अपॉन आर प्लस आर, हाँ या ना। तो इस तरह से E का मान आपको कितना दिया है, टोटल ये हम लोग को निकला था E 3 वोल्ट, और इस तरह से R, इसका R कितना आल था आपको 1, और इसका टोटल R आपको कितना आल था 2, तो इस तरह से आपको 3/3 कट के कितना आ गया 1,
इसलिए आपको प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर 1 एम्पियर, इससे प्रवाहित विद्युत धारा कितना है 1 एम्पियर। ये वो तो प्रश्न हमको मिल गया। यो सेलों के सिरों पर आरोपित विभवांतर क्या कहता है, इस सेल पर आरोपित विभवांतर क्या है और इस सेल पर आरोपित विभवांतर क्या है, तो इसके लिए भी आप विभवांतर का सूत्र पढ़े थे। चूंकि इसका पर हम लोग चलेंगे पहला पर ए बराबर, दूसरा प्रश्न पर ए पर आरोपित विभवांतर, ए पर आरोपित विभवांतर, ए पर आरोपित विभवांतर, देखिए ए पर आरोपित विभवांतर हम लोग डी बराबर हम लोग पढ़े थे E माइनस आर, याद होगा E माइनस आई आर वन, E बराबर आई आर पढ़े थे, E भी बराबर E माइनस आई आर, तो यहाँ इसका आई आर की जगह पर क्या चलेगा आई आर वन चलेगा। फिर से थोड़ा देख लूँ शायद दिखाई दे रहा हो, ठीक है ध्यान दीजिएगा। आरोपित विभवांतर यहाँ लिखा गया A पर आरोपित विभवांतर भी बराबर E माइनस आई आर वन, तो इस तरह से यहाँ मान बैठाइएगा तो E के जगह पर कितना है, देखिए E के जगह पर आपको था 3 और माइनस में I, I पर इस पर आरोपित विभवांतर विद्युत धारा कितना था 1 था, 1 गुने R1 कितना था 1.5, तो आपको देखिए ये 3 माइनस 1.5 घट जाएगा 1.5, तो आपको कितना बचेगा 1.5 वोल्ट। यानी पहला बैटरी पर जो आरोपित विभवांतर है A पर आरोपित विभवांतर कितना है 1.5 वोल्ट है। अब दूसरा बैटरी पर B पर आरोपित विभवांतर चलेंगे, B पर आरोपित विभवांतर का यदि मान निकालेंगे तो देखिए B पर आरोपित विभवांतर उसी तरह चलेंगे तो B बराबर E माइनस आई आर टू हो जाएगा, तो E के जगह पर तो फिर से 3 आएगा, I के जगह पर फिर से 1 है और आर टू आंतरिक प्रतिरोध, देखिए आंतरिक आर वन कितना था, इसका आर टू 0.5 था, तो 0.5 तो आखिर तो देखिए 0.5 और यहाँ आई आर टू 0.5 था और उसका हम लोग गुना कर देंगे ई का विद्युत वाहक बल, ई का विद्युत वाहक बल। थोड़ा सा एक बात और ध्यान देने को बातें हैं कि हम लोग विद्युत वाहक बल केवल इसका निकाल रहे हैं, तो इसका विद्युत वाहक बल हमको दोनों बैटरी का 1.5 वोल्ट है, तो इसका भी 1.5 था, इसका भी हमारा विद्युत वाहक बल कितना था 1.5 ही था, इस तरह से विद्युत वाहक बल का मान यहाँ कितना हो जाएगा 0। और आपको बताया गया था कि 0 कब होना बराबर मानता है, कब 0 हो जाएगा आरोपित विभवांतर, उसी तरह इसका भी विद्युत वाहक बल हमको कितना था 1.5 पे था, तो 1.5 में से आपको कितना घटेगा 0.5 घटेगा, तो आपको यहाँ कितना बच जाएगा 1 वोल्ट। यानी उसका विभवांतर पहला बैटरी का जो विभवांतर है वह 0 वोल्ट दे रहा है और दूसरा बैटरी का विभवांतर कितना दे रहा है 1 वोल्ट दे रहा है। आप थोड़ा सा मेहनत करके यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हम लोगों का 1 वोल्ट बचा है और पहला बैटरी में हमको 0 वोल्ट। आप शायद यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आपको थोड़ा सा समझना है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, ए बैटरी जो है ए बैटरी का विद्युत वाहक बल 1.5 है तो 1.5 में से नहीं इसको घटाएंगे, बी बैटरी का विद्युत वाहक बल 1.5 है तो 1.5 में से इसको घटा दिया, बाकी सब क्लियर है आशा है आपको जरूर समझ में आया होगा। तो प्लीज आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले। कुछ और न्यूमेरिकल को हम लोग आगे देखते हैं, इसका आंसर हम लोग का 1 वोल्ट आया है, ठीक है तो आगे कुछ न्यूमेरिकल को देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग के सामने कुछ और प्रश्न है इसको लेकर मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आपको से कहा गया है कि परिपथ से या एक परिपथ दिया गया है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और परिपथ की धारा ज्ञात करना है, या एक परिपथ दिया गया है इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है और परिपथ की धारा पूछ रहा है, तो इसको हम लोग एक के सॉल्यूशन करने के लिए सॉल्यूशन करेंगे जब एक का, तो देखिए तुल्य प्रतिरोध तो धारा यहाँ 16 बैटरी के 16 वोल्ट के विभवांतर विद्युत वाहक बल 16 है और यहाँ से विद्युत धारा बह रहा है, तो यहाँ आया धारा, यहाँ आने के बाद इधर भी धारा गया, तो जब इधर धारा गया तो यहाँ से इधर ये धारा इधर आने लगा, तो यह दोनों श्रेणी क्रम में है, तो हम लोग बनाएंगे आर डैश बराबर 2 ओम प्लस में 4 ओम, इस तरह से कई ओम हो जाएगा 6 ओम, इन दोनों को हटा करके एक को जोड़ देंगे तो 6 ओम, जो इसको से किस तरह से जुटल होगा समांतर क्रम में तो होगा 1/ आर डबल डैश बराबर में 6 ओम, यह होगा आपको 4 ओम प्लस 1/4 ओम प्लस में 1/R-, और इसका मान हम लोग बैठाएंगे तो होगा 1/4 प्लस में 1/6,
अब यहाँ चार छः पे लघुत्तम होगा, छः 12 होगा, तो चार में 12 आएगा, तीन बार में ये दो बार में, तो इस तरह से आप अगर, इसलिए आर डबल डैश का मान आपको होगा 12/5, और यहाँ भागा भी आप दे देंगे तो आर डबल डैश का मान कितना हो जाएगा, 5 × 10 10.05×20, इतना ओम हो जाएगा। तो हमारा समतुल्य प्रतिरोध जो आ गया, समतुल्य प्रतिरोध आर डैश बराबर 2.4 आ गया, 2.4 इसको हम लोग समतुल्य प्रतिरोध कह रहे हैं। अब कहता है दूसरा, परिपथ की विद्युत धारा, परिपथ की धारा, तो परिपथ की धारा निकालना है, तो आर हमको ज्ञात हो गया, तो धारा और भी हमको दिल है, तो लिखेंगे बी प्रश्न में, चूंकि भी बराबर 12 वोल्ट, आर बराबर आपको हो गया 2.4 ओम, इसलिए आई बराबर ओम के नियम से चलेंगे तो भी बराबर आई आर होता है, भी बराबर आई आर, तो आपको हो जाएगा कितना, भी अपॉन्स आर, और भी के मान आपको कितना है 12 दिया है, और आर का मान कितना है आपको 2.4, तो ऊपर में हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, बोलिए ऐसे लिखा जा सकता है 2.4, यहाँ देखिए आर का मान 2.4 अगर बैठाएंगे तो यहाँ 24/10 तो ऊपर चला आएगा, अब यहाँ 12 × 24 दो बार में कट जाएगा, आया ना। देखिए प्रवाहित विद्युत धारा का अगर हम लोग आई का मान निकालेंगे, यहाँ से प्रतिरोध का आई का मान निकालेंगे, तो आई के मान निकालने में हम लोग का कैसा मान आ रहा है, समतुल्य प्रतिरोध निकाल लिए है, उसके बाद हम लोग को जो बच रहा है उसी को निकालना शेष बच गया, तो उसका मान हम लोग निकालेंगे तो हम लोग के मान क्या मिलेगा, आई बराबर भी बाई आर, और यहाँ हमको भी कितना दिया है 16 वोल्ट दिया है, और माफ करिए भी आपको 16 वोल्ट दिया गया है ना, तो भी हम लोग को कितना था, भी आपको 16 वोल्ट दिया गया, 12 वोल्ट कहाँ से लिख लिया, भी 16 वोल्ट दिया गया है, तो यह कितना होगा 16 होगा, तो देखिए 16 होगा बटा में 24 के नीचे आएगा तो 24 ऊपर में क्या चल जाएगा 10, तो इस तरह से काट दीजिए, अगर काटिएगा तो 8 × 16 और 8×24 इस तरह से कट जाएगा, तो आपको 20/3 आ जाएगा, 20/3 समतुल्य प्रतिरोध आपको R-2.4 आल था, इसको से आपको कितना आ जाएगा 20/3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अब एक और प्रश्न बचा हुआ है, इसको हम लोग हल करेंगे। तो कहता है किसी गोलीय परिपथ में, किसी गोलीय परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध, अब इसका और इसका समतुल्य प्रतिरोध, अब सोचिए कि धारा अगर यहाँ से यहाँ आ रहा था तो यहाँ तक तो ठीक है 5, लेकिन यहाँ आया तो धारा बट गया, इधर भी गया इधर भी गया, तो धारा बटा, इधर से भी धारा आ रहा था बट रहा था, इन दोनों आपस में किस क्रम में हो गया, समांतर क्रम में, और अगर यह अभ्यास नहीं खींचा रहा था तो किस क्रम में होता, श्रेणी क्रम में होता, तो फिलहाल यह खींच दिया गया तो समांतर क्रम में होगा, यानी कितना जुड़ जाएगा 1/5 + 1/5। इस तरह से आप लोगों का समतुल्य प्रतिरोध भी इसका ज्ञात हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना बताया था, आपने इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना ज्ञात किया, तो हमें आपके कमेंट बॉक्स का में आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। तो आप अपना कीमती राय हमें जरूर दें ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाता रहूं। तो इस तरह से हम लोग आप बना लेते हैं और इसको हल कर देते हैं। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, आगे हम लोग और न्यूमेरिकल को शामिल करेंगे।